सर्दियों के एक खास लड्डू पूरी सर्दियां आपको रखेंगे एनर्जेटिक और हेल्दी, तो एक बार जरूर ट्राई करें। हेलो गाइस, मैं अर्चना डिवाइन डिलीशियस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम बनाएंगे सर्दियों के लड्डू, तो रेसिपी शुरू करते हैं। लड्डू बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून अजवाइन, 1/8 कप में ले रही हूँ काली मिर्च, 1/4 कप बारीक कतरवा सौंठ। अब इसको 2 से 3 मिनट तक हम हल्के से रोस्ट कर लेंगे, जिससे इसका मॉइस्चर जो है वो निकल जाए। तो 2 से 3 मिनट मैंने इसको हल्के से रोस्ट कर लिया है, मसालों में अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो गैस की फ्लेम मैं ऑफ कर रही हूँ, इसको किसी में प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए रख दूंगी। ये कढ़ाई मैंने वापस ले ली है, इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा घी। जैसे ही घी मेल्ट हो जाए मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ये गोंद। तो गोंद कहीं भी इजीली मार्केट में मिल जाती है, इसको हम फुला लेंगे। गोंद के लड्डू सर्दियों में काफ़ी हेल्दी रहते हैं, और साथ में अगर इसके साथ हम और दूसरे मसाले भी डाल दें तो सोने में सुहागा हो जाता है। तो ये लीजिए, सारा गोंद जो है वो फूल चुका है, तो इसको भी ठंडा करने के लिए एक प्लेट में हम इसको निकाल देंगे। वापस से मैंने वही कढ़ाई ले ली है। अब इस कढ़ाई के अंदर मैं ले रही हूँ 1/2 कप देशी घी, और साथ ही इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैं ये 3 कप गेहूं का आटा। तो गेहूं का आटा जो है वो मैंने छान के लिया है। अब इसको थोड़ी सी देर हमें अच्छे से भूनना है, हल्का गुलाबी होने तक, जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू आ जाए और थोड़ा सा गुलाबी हो जाए। अब इसके अंदर मैं 1/2 कप घी और मिला रही हूँ। तो घी जो है वो थोड़ा थोड़ा करके ही डालें, जितनी रिक्वायरमेंट लगे। आटे को लो मीडियम फ्लेम पर हमें 3 से 4 मिनट तक रोस्ट करना है। आप देख रहे होंगे धीरे धीरे इसका कलर जो है वो चेंज होने लगा है, तो हल्का गुलाबी होने तक इसको रोस्ट करना है हमें। आटा हमारा अच्छे से सिक गया है, इसको करीब 10 मिनट तक मैंने लो मीडियम फ्लेम पर भूना है, और मेरे किचन में अब इसकी काफ़ी अच्छी खुशबू फैल रही है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अगर वजन में देखा जाए तो ये करीब 500 ग्राम के करीब है, जो मैंने 3 कप आटा लिया था। तो डिपेंड करता है कि आप किस क्वांटिटी में इसको बना रहे हैं। वैसे आप कप साइज से ना लेके कटोरी से भी नाप सकते हैं इसको। तो अब बस मैं गैस की फ्लेम को जो है ऑफ कर रही हूँ। जब तक ठंडा हो रहा है, ये मसाले हमारे ठंडे हो चुके हैं, तो हम इनको पीस लेते हैं। मसाले जो है वो बारीक पीस गए हैं, तो अब इस आटे के अंदर मैं इसको मिला रही हूँ। ये अभी गरम ही है, तो इसमें गरम गरम में ही हम इसको मिला देंगे। गोंद को हम मिक्सर जार में डाल के इसे भी हम बारीक पीस लेंगे। गोंद भी पीस गया है, ये इसमें मिक्सर जार के अंदर आसपास चिपक गया है, इसके अंदर मिक्स कर देंगे। तो ये मसाले जो है सारे मिक्स हो गए हैं। तो मैंने इसके अंदर मिला दिया है काली मिर्च, अजवाइन, सौंठ और गोंद। अब इसको मिक्स कर लेते हैं हल्का सा। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ये शिलाजीत का पाउडर। शिलाजीत जो है वो इस तरह की पत्थर की फॉर्म में आता है, और किसी भी सुपर स्टोर में ये इजीली मिल जाता है। तो मैं हमेशा इसका पाउडर बना के रखती हूँ। तो ये बच्चों के जो है ग्रोथ के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है, क्योंकि बोन्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। साथ ही अगर लेडीज़ के मेनोपॉज के टाइम की अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। वैसे अगर डेली रूटीन में भी अगर इसको खाया जाए तो ये हेल्थ के लिए अच्छा ही होता है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो मैं हमेशा इसका इस तरह से पाउडर बना के रखती हूँ। अगर आपने मेरा टर्मरिक मिल्क वाला अगर वीडियो देखा हो तो उस रेसिपी में मैंने इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया है। तो ये इस तरह के पाउडर में मैंने पीस के इसको रख लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ अश्वगंधा का पाउडर। तो ये मैं डाबर का यूज़ कर रही हूँ, ये भी किसी भी सुपर स्टोर में ईजिली मिल जाता है। तो ये भी स्टैमिना बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है, और अगर आप इसको थोड़ा सा डेली अगर यूज़ करें तो ये बीपी, शुगर सारी प्रॉब्लम्स को जो है वो दूर रखता है। और साथ में आप इसको अगर डेली लेंगे तो आपको काफ़ी एनर्जेटिक फील होगा। वैसे टेस्ट में जो है ये कड़वा होता है, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ अगर आपने नहीं देखा हो तो। ये इस तरह की पाउडर की फॉर्म में होता है, तो ये भी मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। ये वैसे इसका टेस्ट जो है कड़वा होता है, तो दूध में ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, तो मैं इसको लड्डुओं के फॉर्म में बना के इसको यूज़ करती हूँ। तो गुड़ के साथ इसको यूज़ करने पर इसका कड़वापन भी नहीं रहता,
तो अब आटा जो है वो थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लगा है, बिल्कुल ठंडा हमें इसे नहीं करना है। हल्के गर्म में ही मैं इसके अंदर मिला रही हूँ ये 1 कप गुड़। अब गरम गरम में ही हमें इसे थोड़ा सा मिक्स करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा गरम नहीं लेकिन बिल्कुल हल्का गुनगुना जिसको बोलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर ठंडा हो जाएगा तो इसको मिलाने में प्रॉब्लम होगी और जो गुड़ है अगर हम इसमें डालेंगे तो अच्छे से इसके अंदर मिक्स नहीं होगा तो इस तरह की गुठलियाँ पड़ जाती है। हालांकि गुड़ मैंने जो है वो इसको हल्का बारीक कर लिया था, आप इसको कस के भी काम में ले सकते हैं, पर फिर भी गुड़ को मिलाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आता ही है तो इसीलिए हल्के गर्म के अंदर ही इसको मिलाना पड़ता है। आप इस समय जो है मीठा थोड़ा सा टेस्ट करके देख सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा जैसा भी चाहें वैसा कर सकते हैं। तो 1 कप गुड़ मैं इसके अंदर और डाल रही हूँ और अब इसको अच्छे से हमें इसके अंदर मैश करना है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है, मेक श्योर कि इसके अंदर कहीं भी कोई गुठलियाँ ना रहे, गुड़ जो है वो अच्छे से इसके अंदर मैश हो जाना चाहिए। तो अब हम इसके लड्डू बांध लेते हैं, तो इसके लड्डू बांध लेंगे, साइज आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लड्डू काफ़ी इजीली बन रहे हैं, अगर प्रॉब्लम आती है आपके तो आप इसके अंदर थोड़ा सा देसी घी गरम करके डाल सकते हैं। मसाले मैंने जो भी डाले हैं वो सारे सर्दियों में बहुत ही अच्छे रहते हैं, बॉडी को गर्म रखते हैं और इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं, तो सर्दियों में एक बार तो कम से कम ये लड्डू बनाने ही चाहिए, क्योंकि पूरे साल भर जो भी हम सर्दियों में खाते हैं वो पूरे साल भर हमें उसका बेनिफिट मिलता है। तो मैंने शिलाजीत का पाउडर और अश्वगंधा का पाउडर डाला था। मसाले अगर आपको इसमें से कोई भी पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये सारे ही मसाले जो डाले हैं मैंने वो काफ़ी हेल्दी हैं, आप इसे कम ज़्यादा भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मैं वैसे डेली रूटीन के अंदर शिलाजीत और अश्वगंधा वैसे भी यूज़ करती हूँ, तो मैंने 1 टीस्पून ही डाला है, आप इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये देखिए लड्डू कितना इजीली बन रहे हैं और मुझे इसमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं लग रही है देसी घी डालने की, तो इसी तरह से सारे लड्डू जो है वो बांध लेंगे। तो लीजिए सारे लड्डू जो है वो बनके तैयार है और 250 ग्राम आटे के अंदर 15 के करीब लड्डू बन गए हैं। तो आप एक बार बनाने के बाद 15 से 20 दिन तक आराम से इसका यूज़ कर सकते हैं और मॉर्निंग में अगर आप एक लड्डू ब्रेकफास्ट में खाएं तो पूरे दिन आप एनर्जेटिक फील करेंगे। आप इसको गर्म करके भी खा सकते हैं, चाहे तो माइक्रोवेव में करें या फिर गैस पर कढ़ाई में, और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें घी भी ऐड करके गर्म करके खाएं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो ये लड्डू हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, साथ ही पास में लगा बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। मिलेंगे जल्दी ही एक नई रेसिपी के साथ। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।